प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन। हेलो फ्रेंड्स, तो हम ऑलरेडी 3 एलीट फोर्स को हरा चुके हैं और ये रही अगली एलीट फोर। ये डार्क टाइप पोकेमॉन्स यूज़ करती है और काफ़ी ख़तरनाक टैक्टिक्स यूज़ करती है और इसका नाम है कैरन। तो चलो देखते हैं कैरन कौन से पोकेमॉन्स लेके आती है। हम स्टार्ट करेंगे नाइटाई से और इसने स्टार्ट किया है अम्ब्रियन से। बहुत सही पोकेमॉन है यार। मैं कभी कभी सोचता था ग्रे अगर अम्ब्रियन में इवॉल्व होता तो मतलब क्या होता यार, मतलब उसके पास काफ़ी क्लासिक मूव सेट्स हैं यार। ये देखो पहले ही डबल टीम यूज़ कर ली भाई ने। लेकिन यार तेरी डबल टीम का ज़्यादा कोई असर नहीं पड़ेगा, ज़्यादा एक से दो फ्लेम थ्रोअर और यूज़ करेंगे और तू निपट जाएगा। और यहाँ इसने दिक्कत खड़ी कर दी, कन्फ्यूज रे यूज़ कर दी और हमारा नाइट आई कन्फ्यूज़ हो गया है। अभी भी कन्फ्यूज और हेडबट पड़ गया उस पर, लेकिन ज़्यादा कुछ अफेक्ट नहीं हुआ। लेकिन अम्ब्रियन फ्लिंच हो गया तो अटैक नहीं कर पाएगा। सही है, एक फ्लेम थ्रोअर और पड़ गया ना तो अम्ब्रियन तो गया। गलत हुआ यार, लेकिन कन्फ्यूज है। और अम्ब्रियन ने पे बैक यूज़ करा तो ज़्यादा कुछ अफेक्ट नहीं हुआ है। चलो नाइट आई कन्फ्यूजन से बाहर आ गया और इस बार तो बेटा अम्ब्रियन तुझे फ्लेम थ्रोअर से कोई नहीं बचा सकता। तो कारिन का पहला पोकेमॉन अम्ब्रियन गया तेल देने। दूसरा पोकेमॉन है उसका हाउंडूम, वो डार्क फायर टाइप है। फायर टाइप है तो उसके लिए जूविया है ही, जूविया और वाटरफॉल को यूज़ करते हुए हम हाउंडूम को आसानी से हरा देंगे। चलो शुरुआत करते हैं वाटरफॉल से। हाउंडूम फास्ट है तो उसने नेस्टी प्लॉट यूज़ किया है, उसी के साथ उसका स्पेशल अटैक बढ़ गया है। डूम भी सेम लेवल का है लेकिन चला जाना चाहिए यार। और ये बच गया यार, सिर्फ एक रत्ती भर से बच गया वो। उसका सिट्रस बेरी यूज करके उसने हील भी कर लिया। और ये कारिन ने स्विच कर लिया वाइल्ड प्लूम पे, हमने फिर से वाटरफॉल यूज़ किया था। मुझे लगता है हमें स्विच कर लेना चाहिए क्योंकि वाइल्ड प्लूम ग्रास टाइप है और उसने अगर पेटल डांस या सोलर भी हो कोई सा खतरनाक मूव यूज़ कर दिया तो हमारा जूविया तो गया। लॉक्सस को बुलाएं, लॉक्सस को बुलाते हैं। चलो लॉक्सस बक टाइप है तो ग्रास टाइप मूव्स का ज़्यादा इफेक्ट तो होगा नहीं। ऊपर से लॉक्सस के पास फ्लाइंग टाइप मूव्स भी हैं। ये पेटल डांस था यार, ये पड़ जाता तो गारंटी से जूविया हार जाती। और ये एरियल है सपना, और ज़रा सा बच गया यार वाइल्ड प्लूम। बस एक अटैक और फिर नहीं बच पाएगा। और वाइल्ड प्लूम ने फिर से पेटल डांस यूज़ कर दिया। अपन फिर से एरियल एस यूज़ करते हैं, क्या बड़ी बात है। और ये वाइल्ड प्लूम भी गया, बहुत सही। अगला पोकेमॉन है मर्क्रो, स्विच नहीं करते हैं। बस इतना याद रखना पड़ेगा कि वो कोई फायर टाइप मूव्स यूज़ ना करे, क्योंकि यार बक टाइप पोकेमोन फायर टाइप मूव्स पड़े आते हैं, बैंड बच जाएगी बेचारे लॉक्सस की। फाइटिंग टाइप मूव यूज़ करते हैं ब्रिक ब्रेक, और ब्रिक ब्रेक के साथ ये मर्क्रो भी गया। एक के बाद एक कारिन के तीन पोकेमोन्स को हरा दिया है हमने। और एक पोकेमोन बहुत ही खराब हालत में है उसका, हाउंडूम। और हाउंडूम वापस आ गया, तो भाई हाउंडूम इस बार अर्थक्वेक यूज़ करके देखते हैं। और उसने डार्क पल्स यूज़ की, काफ़ी ख़तरनाक थी यार। अर्थक्वेक मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि अगर फिर से ये स्विच कर लेती हाउंडूम को जूविया को देख के, तो जो भी पोकेमॉन आता उस पर काफ़ी ख़तरनाक इफेक्ट पड़ता इसका अर्थक्वेक का। अगला पोकेमॉन है गेंगार, तो इसके लिए तो ग्रे को ही बुलाएंगे स्पेशली। बहुत स्पेशल गिफ्ट है ग्रे के पास गेंगार के लिए, जो हमें गोस्ट टाइप जिम लीडर ने दिया था। आओ गेंगार,
तो ये जो गेंगर का एनिमेशन है जो उछलता हुआ आता है यार, ये बहुत मस्त लगता है सच में। चलो यूज़ करते हैं शेडो बॉल और भगाते हैं इस गेंगार को। तो बाय बाय गेंगार, चला जाएगा ना, चला बच गया यार, हल्के से बच गया। और गेंगार ने स्पाइट यूज़ किया तो शेडो बॉल की पीपी कम हो गई। ये देखो यार, साथ ही बची है। काम करते हैं, साई बीम यूज़ करके देखते हैं, तो फिर से शेडो बॉल यूज़ कर देते हैं, इस बार तो निपट ही जाएगा ये। तो ये गया गेंगार। स्पाइट यार खतरनाक मूव है, मतलब कोई लंबी बैठल हो तो उसके लिए, जैसे अपन किसी 1-on-1 की ट्रेनर के साथ लड़ रहे हैं। और इसी के साथ कारिन भी गई और अब हम चलते हैं चैम्पियन की तरफ, चैम्पियन से बैटल करने। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। मिलते हैं अगली बार।